कि साइकिल चलाना कितना आसान है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं, तो ये असंभव मजाक में कन्वर्ट कैसे होता है? जो हारने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की, वो ये है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो पहले दौर में वो असंभव सा लगता है, इम्पॉसिबल। कोई भी काम, यहां पे जितने लोग बैठे हैं सब साइकिल चलाना जानते होंगे, अब तो सब जानते होंगे। अब क्या लगता है कि साइकिल चलाना कितना आसान है, लेकिन जब सीखना शुरू किया होगा तब कितने दिन लगे होंगे साइकिल लेके सिर्फ दौड़ने में। अब तो जो साइकिल सीखते हैं वो तो बड़ा बेहुदा तरीका साइकिल सीखने का, अब तो तीन दो पहिए बैलेंस करने के लिए लगा देते, वो बहुत गंदा तरीका है, उस तरीके से लोग मार नहीं खाते। वो गंदा इसीलिए है, उस तरीके से कोई मार ही नहीं खाता। हम तो मारे गए, साइकिल लेके गए गिर गए, हैंडल टेढ़ी हो गई, चैन टूट गई, उसके बाद घर पे कायदे की धुलाई भी हुई, तो 10 दिन 15 दिन तो इसमें लगता था बैलेंस करने में। कितना असंभव लगता था साइकिल सीखना, और आज मजाक लगता है। अभी मेरी रामेश्वर से बात हो रही थी, मैंने कहा एक दिन में दुनिया बदल गई, बोले हाँ, लोग बदल गए हाँ। मैंने कैसा लगता रहा होगा जब तुम पहली बार आए होगे आईएएस की प्रिपरेशन करने, बोले असंभव सा लगता था, अब बोले अब मजाक सा लगता है। आज ये जहां बैठे वहां आईएएस मजाक है, और आप जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है। तो ये असंभव मजाक में कन्वर्ट कैसे होता है? एक लड़के ने, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी, अरे हो जाती है यार शादी इसमें इतना, तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि कुछ निशानी दे दो जिसको मैं जिंदगी भर अपने पास रखूं। तो उस लड़की ने अपनी एक जूती निकाली, दे दिया। लड़का उस जूती को लेके गया सुनार के पास, जो सोने वगैरह का काम करते सुनार, उनके पास गया। उसने कहा कि इस जूती को चांदी के फ्रेम में बना दो। सुनार ने कहा अच्छा, कल शाम को आके ले जाइएगा। दूसरे दिन लड़का गया तो सुनार ने उसको चांदी की फ्रेम में जूती को बना के एकदम बाकायदा ला के लड़के के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा साहब, लड़के से हाथ जोड़ा, कहा साहब, बोले हाँ, बोले ये किस पीर औलिया की जूती है? तो बोले ये किसी पीर औलिया औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है उसकी जूती। सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूता मारा, तमीज कहीं गए। लड़के ने क्या हुआ, कहा कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमे जा रहा है कि किसी औलिया की जूती, औलिया की जूती, औलिया की जूती। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है, बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। यहीं से तो शुरुआत है सेमिनार की, कि तुम जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है, और रामेश्वर जहां बैठा है वहां आईएएस मजाक है। तो ये असंभव मजाक में कैसे बदले, कैसे तुम यहां आकर बैठो, उसका पहला सूत्र यही है कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो, वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। पहला सूत्र यह है कि जिस भी फील्ड में कूदना है, बात समझ में आ रही ना, जिस भी फील्ड में कूदना है, जहां भी जाना है, जिसकी भी प्रिपरेशन करनी, साइकिल है प्रिपरेशन। आज तुम्हें साइकिल चलाना मजाक लगता है, आज जब तुमसे कोई कहता है कि भैया साइकिल चलाना सीखना है, तुम कहते हो अरे यार साइकिल में क्या है, अब तुम्हारे लिए क्या है ना। लेकिन वो जो पहले दिन लेकर चलेगा, तो पहला सूत्र जो मैं देखता हूं
मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा पिछले 20 साल के टीचिंग कैरियर में, जो हारने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की वो ये है कि वो इस परीक्षा के पैटर्न को समझे बिना सिर्फ पढ़ाई करते हैं। अब पुणे से निकलेंगे और भी ज्यादा IAS PCS, क्योंकि अब पुणे में आ गया है इकरा IAS, जहां ओझा सर की देखरेख में होगी UPSC की बेस्ट प्रिपरेशन। We have best faculties from Delhi. Online and offline batches starts at Ikra IAS by Ojha Sir, Sadashiv Pet, Pune.